आज से शीतकालीन चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये शुभारंभ करेंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। चार धाम यात्रा को लेकर चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा अर्चना की और शीतकालीन चार धाम यात्रा के चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज मैंने प्रार्थना की है कि हमारी जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो सफल हो, उसमें सबका सहयोग मिले, आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम हो, जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनकी पूर्ति हो, उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हर प्रकार की सुविधा मिले। आज भगवान केदारेश्वर ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले, आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक उनकी यात्रा भी सुगम हो, जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बनी बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आए उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें, हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ओमकारेश्वर मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है और शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी का जो कल का यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो जो है रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं। कल रात्रि विश्राम इन्होंने जो है रुद्रप्रयाग ओमकारेश्वर मंदिर में किया है और यहाँ पे पूजा अर्चना की है। और एक पहली बार जो है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये जो शीतकालीन यात्रा का जो प्रारंभ आज से हो रहा है साहिल, उसका सीधे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पे आज पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं साहिल, तो उसके बाद जो है जो केदारनाथ की चल विग्रह डोली होती है उसकी जो ओंकारेश्वर मंदिर जो उखीमठ में है यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। तो मुखिया जो है उत्तराखंड के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने रात्रि विश्राम किया है, उसके बाद जो है आज से जो है प्रारंभ होगी जो यात्रा, यानी शीतकाल के लिए जैसे आप बद्रीनाथ हो गया या आपकी जो है केदारनाथ हो गया या गंगोत्री हो गया, इनकी जो चल विग्रह डोली होती है साहिल, तो ये शीतकालीन के लिए अपने पड़ावों पे पुनः जो इनके प्राचीन पड़ाव हैं यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं बद्रीनाथ धाम की बात करूँ साहिल, तो बद्रीनाथ धाम की जो पड़ाव जो पहुंचते जाए कुबेर जी की डोली होगी या आपका जो शंकराचार्य की गद्दी होगी, तो जो यात्री इस समय दर्शन करने के लिए आएंगे वो पांडुकेश्वर और आपका जो है जोशीमठ में आएंगे। अगर मैं रुद्रप्रयाग जिले की बात करूँ तो यहाँ पे भगवान केदारनाथ जी यहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद इनकी जो यात्री यहाँ पे आएंगे ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पे पहुंचेंगे। और इसी प्रकार जो है हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री का जो है जो चल विग्रह डोली होती है, इनकी अपनी आस्था होती है साहिल, तो इनको लेकर आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ओंकारेश्वर मंदिर में जो है उत्तराखंड के लिए जो है जो श्रद्धालु यहाँ पे आना चाहे इनके लिए निमंत्रण दिया है कि आप आइए। और हमारे जो देवी देवता है, यानी जो शीतकाल की जो यात्रा इस समय जो शुरुआत की गई है साहिल, ये आने वाले समय में पता चलेगा साहिल कि किस तरह के लोग जो हैं या किस तरह के यात्री जो है शीतकाल के लिए पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो आपका केदारनाथ हो, चाहे आपका जो है गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, इसके लिए जो है एक पहल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है और आज से इसका शुभारंभ भी हो गया है। और जो लोग जो हम जनतंत्र टीवी की ओर से भी ये अनुरोध करेंगे, जो पर्यटन हमारे शीतकाल दर्शन के लिए आ रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर आए हैं, उसके बाद यहाँ के दर्शन करिए, क्योंकि इस समय
जो है शांत माहौल की, इस समय जो है उत्तराखंड का माहौल जो है इस तरह का होता है कि एक तो ठंड भी है, उसके साथ जो है ऊंचे हिमालयों में जिस तरह से बर्फबारी देखने को मिलती है या यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस समय साफ नजर आती है, क्योंकि जब सूरज भगवान जब अपने दर्शन देते हैं साहिल तो यहाँ ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सुंदर जो है हमारा जो हमारी जो देवभूमि है, इसको लेकर आज पुष्कर सिंह धामी ने जो शीतकालीन जो प्रवास के लिए रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचे थे, ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जो आज से जो है शीतकाल की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाएगी साहिल। क्योंकि जो साहिल एक सबसे बड़ी बात साहिल सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारी जो है चोपता की यात्रा यानी मिनी स्विट्जरलैंड होता है यहाँ की होती है शीतकाल के लिए, और जो हमारा ओली एक ऐसा उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है या डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे जो है लोग जो है स्कीइंग का जो कार्यक्रम होता है या स्कीइंग के खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे पहुंचते हैं वो तो चलता ही है, लेकिन इस बार जो पहल साहिल जो चारों धामों यानी गंगोत्री यमुनोत्री आपका जो है बद्रीनाथ केदारनाथ इसकी यात्रा को भी आज से जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है हरी झंडी दे दी है साहिल। बिल्कुल पुष्कर, और जिस तरीके से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का महत्व है, जिस तरीके से अलौकिक की यात्रा होती है उसको लेकर तमाम तैयारियां भी यहां पर प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना यहां पर ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सुगम इस यात्रा को बनाने को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी खुद भी सजग नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। यह निर्णय न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का खास महत्व है। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहां 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। उधर प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में बैठक की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास PM मोदी के कर कमलों से हो। तो मंत्री ने आगे कहा कि हमारी कैबिनेट की तरफ से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था जिसको गवर्नर की तरफ से कुछ आपत्तियों के साथ विधायी को लौटाया गया था। देखिए आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ और अपने विभाग के अधिकारियों के साथ में एक संयुक्त बैठक की गई है, जिस बैठक का उद्देश्य जो हमारे भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जो निर्धारित कोर गेम्स है और जो हमारे डेमोंस्ट्रेशन वाले गेम्स है, क्या उन सभी में हमारे DOCs आ गए हैं अथवा कितने गेम्स में DOCs अभी आने हैं अथवा वे कब तक आ जाएंगे, और हमारे DOCs के संबंधित गेम स्थानों का क्या रिपोर्टिंग की गई है या जो कमियां बताई गई हैं या जो किसमें सही स्थिति बताई गई है इसका परीक्षण भी किया गया है। तो आज की बैठक से ये साफ स्पष्ट होता है कि मैक्सिमम गेम्स जो हमारे जो 32 गेम्स इसमें दिए हुए हैं इसमें से लगभग 27-28 गेम्स के जो हैं हमारे DOCs आ चुके हैं और वे मौके को देख भी चुके हैं और संबंधित में बहुत माइन्यूट से कार्य बताए गए हैं जो तात्कालिक होने हैं उसी समय किए भी जाएंगे, जो कि मैं समझती हूँ कि काफी हद तक जो है हमारा कार्य जो है वो प्रगति पे है। इसके अतिरिक्त जो हमारे डेमोंस्ट्रेशन वाले गेम हैं उनके DOCs के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से भी और उत्तराखंड ओलंपिक संघ को भी और विभाग से भी ये निर्देश दिया है कि वे संबंधित DOCs को जल्दी से जल्दी नियुक्त कराने के लिए आग्रह कर ले ताकि जो है संबंधित खेल के लिए भी जो है हमारी सटीक तैयारियां हो सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोनेशन अस्पताल में ब्लड बैंक खुलेगा, तो निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही विभाग बजट जारी करेगा, गर्भवती महिलाओं को इससे काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो ब्लड बैंक खुलने से मरीजों को भी फायदा पहुंचेगा। तो देहरादून में जिला चिकित्सालय कोरोनेशन अस्पताल में ब्लड बैंक जल्द शुरू हो जाएगा। ब्लड बैंक के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, इसके लिए जल्द ही विभाग की तरफ से बजट जारी किया जाएगा। जिले के सरकारी अस्पतालों में अभी सिर्फ दून मेडिकल कॉलेज में ही ब्लड बैंक की सुविधा है। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक खुलने से यहां पर आने वाले मरीज और खासकर गर्भवतियों को काफी राहत मिलने वाली है। उधर पिथौरागढ़ में लगे भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई। तो भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर जमीन के अंदर रहा। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जनता में दहशत का माहौल भूकंप के झटके लगने से देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई। तो भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर जमीन के अंदर रहा। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जनता में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप के झटके लगने से जनता में दहशत का माहौल देखने को मिला। पिथौरागढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता आंकी गई। हालांकि किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, गनीमत रही। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने रोष व्यक्त किया है। हरिद्वार में गरीब दासी धर्मशाला में बैठक आयोजित कर कई साधु संतों ने मृतक और हिंसा का शिकार हिंदुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही देश भर के हिंदुओं से भी आगे आने का आह्वान किया। संतों ने भारत सरकार और UNO से भी बांग्लादेश हिंसा पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेशी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करने की अपील की है। इतना ही नहीं, 10 दिसंबर को हरिद्वार में एक विशाल जन आक्रोश रैली भी साधु संतों की तरफ से निकाली जाएगी और साधु संतों ने आमजन से इस रैली में भाग लेने की अपील की है। अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो हमारे महंत चिन्मयदास जी को गिरफ्तार किया और दो वकीलों को इतने घायल किया है, उसके लिए हम पूरे भारत में रहने वाले हिंदू ही नहीं, अभी तो मैं आह्वान करूंगा कि विश्व में जितने भी हिंदू रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग रहे हैं, उन सब से आह्वान है कि वो आए, आगे आए, जागें। केंद्र जो भारत सरकार है उन सब से अपील करके वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिया जा सके, उनको जो ये कठिनाई है, ये परेशानियाँ हैं, उन सब परेशानियों से सरकार तत्काल उनको ठीक कराए व्यवस्था। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। लगभग 70 मंदिरों को तोड़ा गया। इस्कॉन टेंपल के महंत चिन्मय दास को, क्योंकि वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। दो वकीलों के ऊपर हमला हुआ जो कि मरणासन्न स्थिति में हैं। आज वहाँ का हिंदू समाज अपने को अकेला अनुभव कर रहा है। हम भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मावलंबी, विशेषकर संत समाज उनके साथ है। हम भारत सरकार और इस भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, UNO के नेशनल सेक्रेटरी जनरल को एक ज्ञापन के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि UNO वहाँ पर इंटरफेरेंस करें। तो हरिद्वार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं पर नाराजगी जताई। तो भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने सड़क मरम्मत और पानी की लीकेज की शिकायत की। जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने अधूरी पाइपलाइनों और टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने खराब पानी और जल संस्थान की लापरवाही पर सवाल उठाए। तो हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने गंदे पानी और अधूरी परियोजनाओं की ओर ध्यान दिलाया, जबकि ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने टंकी की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और जिलाधिकारी ने समय पर काम पूरा करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उधर
उधर हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों ने किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना में तेजी लाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने जिला विकास भवन रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी 400 से ज्यादा करने और सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना को प्राथमिकता देने की मांग की। तो प्रधानों का कहना है कि इन समस्याओं से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने प्रधानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। देखिए, पहले जो नरेगा की हमारी मजदूरी है उसके जो रेट हैं उसको लेके उन्होंने थोड़ा अपनी व्यक्त की है परेशानी, जिसको लेके ये शासन के स्तर का मामला है, इसीलिए शासन को जो है कई बार इसके पूर्ण पहले भी बताया गया है। जो नरेगा की दर है वो हमारे यहाँ धरातल पे जो है उनको कम लग रही है, तो इसके लिए शासन को हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शासन स्तर से ही होनी है। उसके अलावा जल जीवन मिशन है जिसको लेके उन्होंने सड़क जो है खुदी हुई है, मरम्मत नहीं की गई है, कहीं पानी की लीकेज है, उन सभी को लेके उन्होंने परेशानियां अपनी बताई हैं और आज हम लोगों ने मीटिंग भी रखी है जनप्रतिनिधियों के साथ और विभागों के साथ और धीरे धीरे करके सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और कर लिया जा रहा है। मुख्य मांग तो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सूर्यकांत भाई ने, पाइपलाइन की जो सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा है वो किसानों को सीधा लाभ पहुँचाती है, तो वो गत वर्षों से चल जा रही थी तो पिछले साल वो बंद कर दी थी। मुख्य मांग तो हमारी वही थी। उसके अलावा और कुछ छोटे 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 मुद्दे थे, मान लीजिए जैसा पाइपलाइन का मामला था कि भाई सड़कें फाड़ के डाल दी गई है, सही नहीं हुई है, तो उसको भी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया है। और जो भी हमारी इधर कुछ ऐसी मांगे जो छोटी मोटी है सब में बहुत अच्छा आश्वासन हमें मैडम ने दिया है और सबको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है कि हम इसको शासन प्रशासन को भेजेंगे। मनरेगा हो या कुछ जो भी उनके अंदर हमारे पास जो छोटी मोटी समस्या थी वो सब मैडम ने सुनी है हमारी। अब कुछ तो ऐसी है जो हमारे भी ध्यान नहीं रह पाती, लेकिन उन्होंने सब कुछ सुना है हमारा बहुत अच्छे तरीके से। लगभग एक घंटा हमारी बात हुई है, बहुत अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया मैडम ने, काफी अच्छा, हम संतुष्ट है। तो लग रहा है कि हमारी मांग जो हमने रखी है वो लगभग सभी हमारी पूरी हुई। वहीं देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने को एक प्रार्थना पत्र मिला था जिसमें यह बताया गया था कि उनकी अनुपस्थिति में उनके घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख की चोरी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून की तरफ से टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने पर पुलिस को आरोपी के बरेली में होने की जानकारी मिली, जहाँ से आरोपी को उसकी पत्नी के साथ 21,50,000 रुपये, कुछ पुराने सिक्कों और सफ़ेद धातु की चेन के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। 24 नवंबर को श्री भगत सिंह राज जी है इनके घर पर चोरी हो गई थी और काफी कैश इनका जो करीब इन्होंने 25 लाख उसमें बताया था कि इतना करीब कैश रहा होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों से कुछ अपनी सेविंग और कुछ लोगों से मांगकर अपने रिश्तेदारों से लाए थे, क्योंकि उनको कहीं एक आवश्यक कार्य था उस पर्पज से और सिर्फ ये जानकारी उन्हीं को थी। तो इस जब भी घटना एक बड़ी चोरी थी और इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटी में कैश जाना, तो इस संबंध में जब उसे समस्त पूछताछ के बाद इसमें टीम ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करी, क्योंकि जो इसमें चोर शामिल था वो अपने गाड़ी से ना आकर वो कभी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जगह जगह घूमकर और तब उसने घर को टारगेट किया था। तो इसके आधार पर बरेली से भी दो लोग को, प्रमोद पाल और उसकी पत्नी विमलेश को गिरफ्तार किया गया और उसमें पूरी जो हमारी सर्विलांस टीम कहेंगे, फुटेजेस कहेंगे, लगातार इसमें 10 दिन से इसमें काम कर रहे थे और इसमें जो है 21,50,000 रुपये बरामद हुआ है। चूँकि कैश था, जैसे इसको इतना कैश मिला तो इसके बाद इसने बहुत जगहों पर इसको खर्च भी किया, जहाँ पर जैसे इजी मनी अगर कैश चोरी का मिलता, साथ ही साथ इसके कुछ पुराने उधार भी चुकाए अपने गाँव में, वो सब साक्ष्यों को एकत्र कर लिया गया और इनसे 21,50,000 रुपये बरामद किया। इसमें जो बरेली के रहने वाला प्रमोद पाल है उसकी पत्नी दोनों को इसमें अरेस्ट किया गया। तो हरिद्वार और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। रुड़की से हरिद्वार की ओर भाग रहे संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरमान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो साथी गुल्लू और गुलफाम मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश फरमान सहारनपुर का निवासी है और उस पर चोरी के आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, सोने की चेन और अंगूठी बरामद की है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। तो घटना हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई,
जहां एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई और जैसे ही कार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक आरोपी को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी फरमान के पैर में पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे और पुलिस लगातार उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। तो हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच ही मुठभेड़ हुई। वहीं बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों को लेकर डॉक्टर अशोक कुमार सह प्रोफेसर ने कहा कि ठंड के मौसम में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बदलता मौसम वयस्कों के लिए कई शारीरिक समस्याओं की वजह बन सकता है। छोटे बच्चों पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। बच्चों को केवल सर्दी जुकाम ही परेशान नहीं करता बल्कि बुखार, उल्टी, दस्त, स्किन इन्फेक्शन या रैशेस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों की सांस की नली संकरी होती है, ऐसे में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप ठंड की शुरुआत से ही सावधानी बरतें तो आपका बच्चा सर्दियों में भी मुस्कुराता रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों में वो है सांस की बीमारी। और छोटे बच्चों में इसमें क्या होता है कि फेफड़े में जकड़न वगैरह आ जाती है, जिसमें आगे चल के जो अगर उनके माँ बाप या उनके माता पिता जो भी हैं अगर उनमें अस्थमा या सांस की दिक्कत है तो ऐसे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रिकरेंट एपिसोड होने का चांस रहता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब भी सांस की दिक्कत हो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल और बच्चे के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और केयर के रूप में अगर देखा जाए तो माता पिता को बच्चे को ढक के रखना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बाहर निकालें, एक्सपोज कम करें। जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए यही है कि सुबह जाते वक्त कान में कम से कम जो है उनका टोपी वगैरह लगा के चलें और फुल ड्रेस जरूर पहना के निकालें।